अखियां दे कोल कोल बस वे ढोला तू अखियां दे कोल रो सामने मेरो सामने चना वे मुंह बोल पावे ना बो बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल वगदी रावी विच सुटनिया कंगियां वगदी रावी विच सुटनिया कंगियां सारा जग छट के मैं तेरे रंग रंगियां सारा जग छट के शख्सियत है, इन्होंने जितना माशाल्लाह से जबरदस्त काम दिया है इंडियन इंडस्ट्री को, इंडिया को, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। जावेद जाफरी है जी कॉल पे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आदाब। आदाब। वालेकुम अस्सलाम, आदाब। जावेद भाई कैसे मिजाज है, खैरियत से? ईद मुबारक भाई। बहुत बहुत आपको भी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह एवन, और इतना अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुन के क्या बताएं, बहुत अच्छा, क्या बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फिरा बात कर रही हूँ जी सवेरे सवेरे शो से। जी जावेद भाई, आपका माशाल्लाह धमाल टू है, उसका तो मेरा बेटा बड़ा फैन है। सबसे पहले आप मेरे बेटे मुजम्मिल को विश करेंगे ईद, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा फैन है। मुजम्मिल को भी ईद मुबारक, और सारे जितने भी हमारे पाकिस्तान में भाई बहन है सबको बहुत बहुत आप सबको भी। हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फनकारा यहाँ मौजूद है मतीरा, उनसे बात करें प्लीज जावेद भाई कॉल पे। बिल्कुल जी, ईद भाई, वालेकुम हाय। जीत गए हो जावेद भाई, तुम जीत गए हो जी। हाय शाय, बाय शाय। कैसी गई आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपका मैंने काम देखने का मौका हुआ नहीं है, यहाँ पे काम कम आता है, उस तरह से देखने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उम्मीद करता हूँ जल्द अब देखूंगा जाके। जावेद भाई एक बात है, हम तो आपका काम बड़ा देखते हैं, बड़ा सराहते हैं, हमारी एक कंप्लेन है, हमारा काम वहाँ बड़ा कम देखा जाता है, क्या बात है? भाई नहीं देखिए, चक्कर वही होता है ना, मैं यहाँ पे एक तो क्या है, फिल्में लगती नहीं है ओपनली, दूसरी बात डीवीडी भी कम आते हैं, प्लेस के ज्यादा आते हैं आपके जो काम है उसमें टेलीविजन के, सही बात। फिल्मों का यहाँ पे बहुत कम एक मिलती नहीं है, कम ढूंढनी पड़ती है। नहीं सर, मेरी एक फिल्म चली थी, लेकिन वहाँ पे कंट्रोवर्शियल फिल्म्स को बहुत ज्यादा जो है ना, जो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल फिल्म्स होती हैं वहाँ पे बड़ा अच्छा बिजनेस करती है। जैसे मैंने एक फिल्म की थी सर, खामोश पानी, शायद आपने देखी हो। हाँ भाई, हमारी दोस्त थी उसमें शिल्पा शुक्ला। जी सर, मैंने जो मस्जिद में जो वो लड़का था ना, जो मस्जिद में तकरीर करता है, मैं वो बात जी, कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो ओके 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 ओके, आप तो शिल्पा जी, जी, बहुत नहीं भाई, आपने भी बड़ा अच्छा काम किया था, लेकिन वो फिल्म मैंने शिल्पा के जरिए देख ली थी। सर बहुत शुक्रिया, मेरे लिए ऑनर है कि आपने वो फिल्म देखी। मैं वही कह रहा था, लेकिन वो जो कल्चर ऑफ एक्सचेंज ऑफ कल्चर है ना, वो उसमें वो नहीं है बात। अल्लाह करे टाइम पे है कि हमारी चीजें भी वहाँ पे इतने ही शौक से देखी जाएं। मगर हमारे हमारे जो है, हमारी जो विट है, हमारा जो ह्यूमर है, हमारे जो उमर शरीफ है, हमारे जो मोइन अख्तर है, वहाँ पे बड़े हिट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मोइन अख्तर को जन्नत नसीब करे। टैलेंट का ताल्लुक होता है ना, यहाँ के लोग या वहाँ के लोग देखते हैं फनकार कलाकार क्या है, उसकी कला का जो अप्रिसिएशन होता है। आपके सिंगर्स हैं, कला की कोई सरहद नहीं है। बिल्कुल, हमारे हमारे अली जफर हैं हमारे आतिफ असलम में, हमारे जावेद, बिल्कुल हमारे ये भी हमारे, हमने भी वहाँ पे एक फिल्म की है यार। अरे यार वो पता नहीं है, लाइन वाइन खेल दी थी लोगों ने, पता नहीं हमारे तुम्हारे हो गया था, बट क्या
ऐसी बात की आपने, वाह वाह वाह, ये है बात। जावेद जाफरी थैंक यू सो मच, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे तो डेफिनेटली मैं अपने शो पे आपको जरूर इनवाइट करूंगी और हम बड़े अच्छा जावेद भाई आप हमारे शो पे आएंगे तो। जावेद भाई मैं कुछ आप अगर आपकी जा सकते जी बिल्कुल आप पूछिए। शिल्पा इज आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड, इफ यू सी हर तो उसे कहिएगा टीपू ने बहुत क्या कहते हैं सलाम और दुआ भेजी। बिल्कुल मैं कहूंगा टीपू जी ने आपको सलाम और दुआ भेजी। हाँ बिल्कुल। और एक सेकंड जावेद जाफरी, एक सेकंड भाई सुने, और कुछ तो नहीं भेजना है भाई। मैं हिरा कहते हैं मुझे, करीना से मिले तो मेरा बहुत प्यार कह दीजिएगा उन्हें प्लीज। हैं ठीक है। हाँ। मैं अभी पोस्टमैन बन के सब ले जाऊंगा सबकी तरफ। पोस्टमैन बन के थैंक यू आपको बहुत ही मुबारक, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अमन और अमन से और शांति से रहे, आपके वहाँ भी जो हो रहे हैं हमारी तो यही दुआ है कि बस मिलजुल के रहें एक दूसरे को, वहाँ पे जो हो रही है बड़ा तकलीफ होती है देखकर, इंशाल्लाह बस सब साथ मिलजुल के रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू सो मच। नहीं भाई मैं देखती हूँ मथीरा माशाल्लाह ग्रूम होते जा रही है, इनकी ब्यूटी इनहांस होती जा रही है, तो उसके ऊपर बात तो होनी है भाई, उसमें तो क्या मथीरा राज है, आप खूबसूरत तरीन होती जा रही है दिन ब दिन। खुश रहो खुश रहो। अच्छा तुम्हारी खूबसूरती भी वैसे कोई यहाँ पे कोई बात करता है? खैर जलन के बारे में करते भी नहीं होंगे लोग, जलन के मारे करते भी नहीं होंगे। देखो मैं एक चीज पर बिलीव करती हूँ कि मैं किसी का इंतजार नहीं करती कि वो आकर बोले मैं खूबसूरत हूँ, मैं हूँ तो हूँ। क्या बात है, ये वो वाली चीज है ना कि आपके पास आंखें हैं क्यों, और है तो है ना भाई, कोई आपको बोले ये सारी चीजें बकवास। मैं भी कल ना अपने ऊपर वाले होंठ पे ना चींटी से कटवाऊंगा। नहीं मतीरा मतीरा मुंह के बल गिरी थी परसों, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल। तो ये क्या बात की आपने चीटी से कटवाई? मैंने ये क्या बात की, ये हो जाएगा ना यहाँ तो फूट जाएगा। तो आप फिलर डल वाले चीटी से क्यों कटवाएंगे? नहीं इसमें ये फेस बनता है इसमें, ये बात नहीं वैसे नहीं बोलूं, वैसे एक एक्सप्रेशन बनते हैं उस पे बात करते हैं, जैसे यूं करती नहीं तो आपकी वैसे ही बड़े होते वरना तो वो हो जाएंगे। नहीं देखें अगर आप करेंगे ना लोग गिर जाएंगे। लोग बहुत बुरी तरह गिरेंगे, पर्सनालिटी भी होनी चाहिए कि यूं करें तो सामने वालों प्यार से गिर जाता ना वो। आप तो वो है बच्चे को डराने वाली चीज करे तो तभी है। नहीं भाई नहीं भाई ये तो आपने चीटी से कटवाऊंगा ठीक है, देखते हैं फिर कटवा के आप आपसे क्या चीटी से कटवाते हैं ना तो फिर, और अमीरी में किससे कटवाते हैं? किसी से नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा जी गाना गाएंगे टीपू एक और, तो टीपू भाई आप जैसे गाने के सिंगर क्यों नहीं बन जाते आप? ऐसे शौक है क्या कहते हैं जब, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिंगर बनूं, मुझे लगता है कि बस ऐसे बचपन से ही कोई है कि गाना पता नहीं ना समझ। आपने गाना गाना है और मतीरा के लिए गाना देंगे, क्यों नहीं गा देंगे? अब बहन बहन ना बोल दीजिएगा मेरी प्यारी बहन के लिए मतीरा के लिए, तो मैं क्या बोलूँ उसे? नहीं तो आपकी कलीग है बहन। हाँ, बिल्कुल कलीग है लेकिन मेरे लिए काबिले एहतराम तो हाँ ये तो बिल्कुल तो जरूरी थोड़ी आप बहन बना ले। हो टांगे वाला खैर मंगदा, हो टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे या पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, वो टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे या पावे चंगदा, हो टांगे वाला खैर मंगदा। वाला गाना था, इसी का ब्रेक ले लें आप लेते हैं। कबूतर पे कोई गाना होना चाहिए मजे का। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, बहुत ना इंसाफी है, चार नहीं होने चाहिए। एक मिनट, गब्बर को चार से ज्यादा अच्छे लगते हैं।